तो नाउ लेट्स डिस्कस ब्लड क्लॉटिंग कि प्लेटलेट्स जो है वो अपना ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस कैसे करते हैं, ठीक है। सो देखिए, इट इज अ प्रॉपर मैकेनिज्म एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। बिना इसके ये फैटल भी हो सकता है। अगर आपको इंजरी हुई है और क्लोट ही नहीं बन रहा है, जख्म ही नहीं बन रहा है, तो लगातार ब्लड लॉस होता जाएगा, ठीक है। और अगर ब्लड लॉस होता जाएगा देन अल्टीमेटली ब्लड की कमी की वजह से ही पेशेंट शॉक में जाके डेथ कॉज कर देगा, ठीक है। तो इतना सब कुछ होने से बचने के लिए क्या है, बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म है, डेट इज क्लॉटिंग, ठीक है। टुवर्ड्स इंजरी ये डिफेंस मैकेनिज्म एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है, कुछ वेरियस सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं या फिर रिएक्शंस हैं जिनकी वजह से ये प्रोसेस होता है। सो लेट्स सी द प्रोसेस, ओके। सो स्टेप्स एंड रिएक्शंस क्या है इसके। जैसे सबसे पहले सपोज कीजिए आपको चोट लगी, इंजरी हुई, कट लगा, डायग्राम में देखते जाइए, ये स्टेप्स इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हैं। फर्स्ट स्टेप शोज फर्स्ट डायग्राम, सेकंड सेकंड एंड थर्ड थर्ड, ओके। सो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, इंजर्ड टिश्यू एंड प्लेटलेट। सबसे पहले इंजरी हो गई, ये दिख रहा है यहाँ खाली, कट पड़ गया ना, डैट मीन जोड़ जॉइंट जो था वो हट गया वेसल का, कट लग गया, ये इंजरी हो गई। तो जैसे ही इंजरी होती है ना, तो फटाफट क्या होता है कि सेल्स हैं ब्लड वेसल्स में, क्या होता है सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स वहीं पर होते हैं, तो जैसे ही कट लगा वैसे ही सारे जो ये टिश्यू होते हैं, इंजर्ड टिश्यू है ना, और जितने भी सेल्स हैं वो और जितने भी प्लेटलेट्स हैं, ये देखिए ये आरबीसीज हैं, ठीक है, ये प्लेटलेट्स हैं, ये सब यहाँ पे इकट्ठे होना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये दो, ये जो डायग्राम है ये इन दो स्टेप्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे ही इंजरी हुई, ठीक है, ये आरबीसीज हैं, ये ब्लू कलर के प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, दिस इज इंजरी। तो अब यहाँ पे डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे ये टिश्यू सेल्स और प्लेटलेट्स, देन थ्रोम्बोकाइनेज का रिलीज होगा। थ्रोम्बोकाइनेज कहाँ होता है, ब्लड में ही, ठीक है। जैसे ही ये यहाँ पे इकट्ठे होंगे तो एक एंजाइम होता है। एंजाइम क्या होते हैं, जो रिएक्शन को बूस्टअप करते हैं, कैटालिस्ट होते हैं, जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ठीक है, उनको हम एंजाइम कहते हैं। सो थ्रोम्बोकाइनेज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये पुराना नाम था इसका, आजकल के टाइम में इसी को फैक्टर 10 कहा जाता है, ये स्टुअर्ट फैक्टर कहा जाता है, ठीक है, ये चारों इसी के नाम है। तो हमने क्या किया, डिसइंटीग्रेट जैसे ही यहाँ पे इकट्ठे हुए तो एक एंजाइम रिलीज हुआ, डैट इज थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। इस थ्रोम्बोकाइनेज ने क्या किया, अब यहाँ पे जो थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज हुआ, ये कैल्शियम आइन्स होते हैं ब्लड प्लाज्मा में, ये थ्रोम्बोकाइनेज कहाँ गया, ब्लड के प्लाज्मा में गया, ठीक है। जैसे ही ब्लड प्लाज्मा में गया तो वहां पर पड़े थे कैल्शियम आइन्स, और साथ ही साथ इनएक्टिव फॉर्म में एक और एंजाइम पड़ा था, डैट इज प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। कौन सा एंजाइम पड़ा था, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कैसा एंजाइम था, इनएक्टिव, कहां पर था, ब्लड प्लाज्मा में। कैल्शियम आइन्स भी कहां है, ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है, प्लाज्मा में है ये सारी, ये सब कहां हो रहा था, ये ब्लड में है, ब्लड वेसल ब्लड में, और ये प्लाज्मा में, ठीक है। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है, ये इस वाले रिएक्शन को, जो सेकेंड रिएक्शन आप देख रहे हैं, इसके लिए ये एंजाइम की फॉर्म में एक्ट करेगा, डैट मींस ये कैटलिस्ट एक्ट करेगा, रिएक्शन को बूस्ट अप करेगा। सो प्रोथ्रोम्बिन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एंड थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट हो जाएगा इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म, डैट इज थ्रोम्बिन। जहां भी वर्ड प्रो लगा होता है ना, प्रोथ्रोम्बिन या कोई भी, जैसे या फिर प्रोथ्रोम्बिन इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बिनोजन, जन वर्ड लगा होता है या प्रो वर्ड लगा होता है, डैट मीन्स इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। हमेशा इनएक्टिव को क्या किया जाता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। देखिए नॉर्मली जो है ना, अगर ये चीजें एक्टिव रहेंगी, सपोज कीजिए प्रोथ्रोम्बिन लगातार एक्टिव फॉर्म में रहेगा, तो लगातार हमारी बॉडी का सारा ब्लड ही क्लॉट कर जाएगा, इसीलिए तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं कि जब जरूरत है तो जरूरत के समय पर ही ये चीजें काम करें, ठीक है, नहीं तो सारा खून सूख जाएगा, ठीक है। सो थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। सो थ्रोम्बिन एक्ट्स एज अ एंजाइम। नाउ अब थ्रोम्बोकाइनेज इस वाले रिएक्शन के लिए एंजाइम था, अब एक्टिव फॉर्म क्या बन गई, थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन थर्ड वाले रिएक्शन के लिए एक्ट करेगा एज अ एंजाइम, मींस ये एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, एज अ एंजाइम एक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वाला सेकंड के लिए, सेकंड वाला थर्ड के लिए। सो अब क्या होता है, ब्लड में ही एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, डैट इज फिब्रिनोजन। जन लगा है, डैट मीन्स इनएक्टिव फॉर्म है, और साथ ही सॉल्यूबल होता है। कोई चीज अगर सॉल्यूबल होगी तो क्या क्लॉट बनाएगी, वो नहीं, इनसॉल्यूबल होगी ना तभी वो इकट्ठी होगी, सॉल्यूबल मीन्स वो घुल जाएगी तो जख्म बनेगा ही नहीं। तो इस सॉल्यूबल फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनसॉल्यूबल फॉर्म में, सॉल्यूबल टू इनसॉल्यूबल। कैसे होगा, इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन एंड कैल्शियम आइंस तो होंगे ही, ठीक है।
फिब्रिन जो है वो एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। इसका काम क्या होता है, फिब्रिन के थ्रेड्स बनते हैं, थ्रेड लाइक नेटवर्क। जो क्लोट बनता है वो एक थ्रेडी नेटवर्क होता है, तो थ्रेड्स लाइक नेटवर्क बन जाएगा, जैसे इस तरह से। देखिए, ये जो जब डिसइंटीग्रेट हुए ना, तो इसे हम कहते हैं प्लेटलेट प्लग। ये मैंने कहा ना कि टिश्यू, प्लेटलेट सब एक जगह आके इकट्ठे हो गए, तो इन्होंने क्या बना दिया, दिस इज नोन एज प्लेटलेट प्लग। प्लग मतलब इस कट के लिए एक कवरिंग की तरह था, ये प्लग लगा दिया अपने कट के ऊपर, ठीक है। अब क्या हुआ, फिब्रिन बना। फिब्रिन क्या है, एक थ्रेड लाइक नेटवर्क स्ट्रक्चर। ये जो आपको नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिब्रिन थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर, थर्ड डायग्राम में, ठीक है। ये बनता कैसे है, फिब्रिन कैसे बने ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दो चीजों से, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, दो चीजों से, एक तो खुद फिब्रिन एंड सेकेंड आरबीसी से, ठीक है। फिब्रिन यहाँ पे बना, ठीक है। फिब्रिन कैसे बना, प्लेटलेट से बना, ठीक है। मीन्स यहाँ पे ये सारे प्लेटलेट्स इकट्ठे हुए, साथ ही साथ ये जो आरबीसीज यहाँ पड़े थे ये भी इकट्ठे हुए, और इन्होंने एक नेटवर्क बना दिया थ्रेड लाइक, ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं फिब्रिन। और अल्टीमेटली जैसे ये नेटवर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अल्टीमेटली उसे हम क्या बोलेंगे, आरबीसीज प्लस थ्रेड्स नेटवर्क इज नोन एज क्लॉट, क्लॉट फॉर्मेशन। ये जो एंड स्टेप में आपको दिख रहा है, दिस इज द क्लॉट, फिब्रिन थ्रेड्स बन गए हैं, दिस इज द क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लॉट फॉर्मेशन, स्टेप बाय स्टेप ये सारा प्रोसीजर होता है, ठीक है। थैंक यू। इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड क्लॉटिंग इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, कि ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट ट्यूब में भी हो सकती है क्या, ठीक है। ऑब्वियसली हो सकती है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जो क्लोट है वो हमारी बॉडी में ही बनेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड ले लेंगे तो उसमें भी थोड़ी देर के बाद क्या बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा, ठीक है। विद इन फ्यू मिनट्स क्लॉट बनना आपको दिख जाएगा। जैसे ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें क्या किया गया कि टेस्ट ट्यूब है, ये एक ही टेस्ट ट्यूब है, थोड़ी देर के बाद इस टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसी दिखेगी, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हमने ब्लड डाल देना है, ठीक है। ब्लड में क्या होता है, सीरम भी होता है, ठीक है। अब देखिए, ब्लड में सीरम होता है ना, है ना। व्हाट इज सीरम, सीरम होता है कि जिसमें प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, ऐसा कंटेंट जिसमें प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, ठीक है, उसको हम सीरम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है यहां पे कि जैसे आपको दिख रहा है ब्लड आपने डाल दिया, कुछ देर के बाद क्या होगा, हल्का हल्का क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा, मींस फिब्रिन थ्रेड। सबसे पहले क्या बनता है क्लॉटिंग प्रोसेस में, फिब्रिन थ्रेड्स बनते हैं, देन आफ्टर क्लॉट बनता है, ठीक है। फिब्रिन थ्रेड्स बनना इस तरह से शुरू हो जाएंगे, थ्रेड लाइक नेटवर्क एज इट इज क्लियरली विजिबल, ठीक है, इस तरह से बनना ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये क्लॉट बनता किससे है, और आई हैव टोल्ड यू क्लॉट बनता है फिब्रिन थ्रेड्स प्लस आरबीसी से, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। यहाँ मैंने कॉर्पसल्स लिखा है, कॉर्पसल्स और सेल्स एक ही बात है, चाहे रेड ब्लड कॉर्पसल कहिए चाहे रेड ब्लड सेल कहिए, ठीक है। यहाँ पे ये क्लॉट बना देंगी दो चीजें, कैसे बना क्लॉट, फिब्रिन प्लस कॉर्पसल, कौन सी कॉर्पसल, नॉट व्हाइट, इट इज रेड, ओके। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ये था बिल्कुल फ्रेश क्लॉट, अभी बनना शुरू हुआ है, थ्रेड्स बनने शुरू हुए हैं, ठीक है। कुछ देर के बाद जैसे हम अपना प्रैक्टिकली देखें, हल्का हल्का बंद होता है, जैसे सपोज कीजिए आपको कहीं कट लग गया, तो आप देखते हैं कि पहले हल्की हल्की ब्लीडिंग, कुछ बिल्कुल जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलना बंद हो जाता है, और ऐसे लगता है आपको कि वो चिपक रही है स्किन, बंद हो रहा है ना, कट जो है वो बंद हो रहा है, डेट मीन्स फिब्रिन थ्रेड्स बनना शुरू हो गए हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद जब आप उसी को देखेंगे, जख्म को, तो आप देखेंगे वो पक्का हो गया, यू कैन फील द हार्ड स्ट्रक्चर एंड दैट हार्ड स्ट्रक्चर इज क्लोट, ओके, आफ्टर फ्यू आवर्स यू विल फील दिस। सिमिलरली ऐसे आपको फिब्रिन थ्रेड्स नजर आए फ्रेश क्लॉट में, लेकिन कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम व्हेन यू ऑब्जर्व दिस, देन यू विल फाइंड द क्लॉट हार्ड स्ट्रक्चर एज आई हैव टोल्ड यू। और इसमें तो जो है ना, जो फ्रेश क्लॉट बनता है उसमें सीरम मिक्स्ड है, जो फिब्रिन थ्रेड है वो सीरम के साथ बिल्कुल मिक्स्ड है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ओके। लेकिन जब जैसे ही कुछ देर के बाद क्लॉट बन जाएगा, तो उसमें क्या होता है, सीरम बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, सीरम सरफेस पे आ जाता है और क्लॉट जो है वो सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। ये एक प्रॉपर क्लॉट बनता है यहां पर, ठीक है, यहां पर बनना शुरू हुआ, यहां पे कंप्लीट क्लॉट फॉर्मेशन हो गया एंड सीरम गेट सेपरेटेड, यहां पर सीरम मिक्स था, ओके। इन दिस वे क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है टेस्ट ट्यूब में। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि प्लेटलेट प्लग बनता है क्लॉटिंग में, अगर प्लेटलेट्स ही ना हो तो क्या क्लॉटिंग हो पाएगी, नो। अगर प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम है तो क्लॉटिंग होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्लेटलेट्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, आरबीसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है प्लेटलेट्स का क्लॉट फॉर्मेशन में। अगर प्लेटलेट
प्लेटलेट्स बहुत बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब थ्रोम्बोसाइटोपीनिया हो जाएगा, है ना। पीनिया क्या होता है, डिक्रीज, थ्रोम्बोसाइट मीन्स प्लेटलेट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया होगा सीवियर वाला, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए, स्लो कोएगुलेशन, आपके जो कोएगुलेशन इज ऑल्सो नोन एज क्लॉटिंग, तो जो कोएगुलेशन या क्लॉटिंग प्रोसेस है डेट विल स्लो डाउन एक्सट्रीमली। अगर कोएगुलेशन नहीं होगी, क्लॉट नहीं बनेगा, तो लगातार खून बहता जाएगा एंड अल्टीमेटली पेशेंट शॉक में जा सकता है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाएगी, हेमरेजेस बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा कौन सी सिचुएशन में देखने को मिलता है, ऐसी सिचुएशन प्लेटलेट्स बहुत डिक्रीज करते हैं, डेंगू में देखने को मिलता है। डेंगू एक डिजीज होती है, कहते हैं ना, मच्छर के काटने से होती है, ठीक है, उस डिजीज में ये आपको देखने को मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। ओके।